हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 किलो मटन बनाने की आसान और सिंपल रेसिपी। आसान फूड रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 2 किलो मटन। देखिए, अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। 2 किलो मटन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 6 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 फूल, 10 से 12 काली मिर्च और दालचीनी। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप यानी कि 200 ml तेल। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप यानी कि 200 ml पानी। गैस की फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक बार इसे चेक करेंगे। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक पकने देंगे। इसे ढकने के बाद हम इस पर कुछ वज़न रखेंगे, इसलिए हमने पानी से भरा एक बर्तन रखा है। ऐसा करने से गोश्त जो है वो जल्दी पकने लगता है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब एक बार इसे खोल कर चेक कर लेंगे। हमारा जो गोश्त है वो 80% तक गल चुका है और इसका जो तेल है वो सरफेस पर आने लगा है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। इसे ढक देंगे और ढक कर इस पर वज़न रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। इस तरह हमने इसको लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसे एक बार खोल कर चेक कर लेंगे। देखिए, हमने इसे बीच बीच में पहले भी चेक किया था। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और ग्रेवी के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 कप यानी कि 400 ml पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ही पककर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से और डिश आउट कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है आसान और सिंपल तरीके से बना हुआ मटन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 2 किलो मटन बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा। और ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।